संशय में भरा हुआ दिल व दर्द भरी मुस्कान है। जाने क्यों निशाने पे सबके शिक्षक व शिक्षण संस्थान है। इस कोरोना के क्रूर समय में सारे कर्मवीरों को इस भावना जोशी का सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। मैं एक शिक्षिका, मैं एक गुरु व एक शिक्षित नारी हूँ, पर जाने कहाँ गई लोगों की समझदारी, समझ नहीं पा रही हूँ। बेवजह करते हैं बहस, बेवजह मुद्दे उठाते हैं। दुनिया पर साक्षरता कौन है लाया, दुनिया को काबिल किसने बनाया। डॉक्टर हो या चाहे हो वैज्ञानिक, जन्मदाता तो शिक्षक ही है। कोरोना में वो घर में है पर उसका मस्तिष्क जागृत है। हर किसी को दर्द है यह कि फीस नहीं दी जाएगी, पर क्या आप जानते हैं एक शिक्षक की रोटी कहाँ से आएगी, एक शिक्षक की रोटी कहाँ से आएगी। कीमत नहीं दे सकता कोई एक शिक्षक के काम की। चारों तरफ दिमाग दौड़ाएं, जिंदगी नहीं आसान सी। घर परिवार में बंधा हुआ वह बच्चे सब समान है। चार दीवारी में बैठ कर भी 2400 घंटे काम है। मे आई विजिबल, मे आई ऑडिबल, घर में आवाज आती है। घर के सदस्यों की आवाज कम करने में शायद वह सकुचाती है। कुछ बच्चे अगर ना दिखें तो मन डर सा जाता है। उनको समझ कैसे आएगा यह सोच के दिल घबराता है। कभी ऑडियो, कभी वीडियो, कभी बच्चों से करती वार्तालाप। बेटा समझ में आया आपकी, बेटा क्या समझ में आया आपकी, वरना करेंगे दोबारा अभ्यास। इस कारण घर के काम छूटे तो होने लगता पश्चाताप। सकुचाती, डरसी जाती, घर वालों को खुद ही समझाती। मौका मिलते ही चुपचाप फिर बच्चों की पाठ्य सामग्री बनाती। एक शरीर एक जान, पर कभी नहीं करती वह आराम। एक शरीर एक जान, पर जाने कितने काम करती वो नादान। फिर भी उसके मौलिक अधिकारों का कैसे होगा, क्या जानते हैं ऐसे निदान। ना चाहती वह मुफ्त की रोटी, ना चाहती वह मुफ्त की रोटी, वह तो है समाज का आधार। कभी आंखें खोल कर तो देखो, वह है संस्कृति की रचनाकार, पूरी संस्कृति की रचनाकार। बारिश हो गर्मी या हो जाड़ा, उसको हमेशा उसके कर्तव्यों ने पाला। कोरोना ने कर दिया बेहाल, पर घर पर भी है उसके वही हाल, पर घर पर भी है उसके वही हाल। बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती, अपनी ड्यूटी पूरी करती। माँ बाप जब हो जाते परेशान तो सिर्फ अध्यापक ही निकालता है उसका निदान, तो अध्यापक ही निकालता है उसका निदान। आज जब जिक्र उसकी रोटी का है तो जाने क्यों है जमाना परेशान। अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया आप एक अध्यापक के अंदर की जिम्मेदारी समझें, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर 2400 घंटे चिंतित है। उसे समझिए और यह समझिए कि वह आपका सबसे विश्वास पात्र पर्सन है, सबसे विश्वास पात्र इंसान है, जिसके पास आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से छोड़कर आते हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि आपके बाद या शायद आपसे पहले वह आपके बच्चों को एक आकार देगा, एक आकृति देगा, एक समाज को आकार देगा, एक देश को आकार देगा, वह एक पूरी सभ्यता का, एक संस्कृति का रचनाकार होगा। वह है अध्यापक। अतः आप अध्यापक के दिल की आवाज सुनिए, उसके कार्य को प्रोत्साहन दीजिए। यही मेरा अनुरोध है, यही सारे शिक्षक वर्ग का अनुरोध है। धन्यवाद।